बार भी क्या बोलना चाहता फिर यार, आज लास्ट है मेरा यहाँ पे, तो थोड़ा सा यार दोस्त है बैठे हुए हैं साथ में, रात में भी थोड़ी सी पार्टी करने का मूड है, बट अभी दोपहर से थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ, तो लगा कि यार अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़े से अभी बियर उवर लेके आया हूँ यार, और देखते हैं पीते हैं, थोड़ा सा शायद अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि कल मुझे सुबह निकलना है यहाँ से, ये सब बिल्डिंग बोल्डिंग ये सब साइकिल वाइकिल सब यहीं पे छोड़ के जाएंगे। इतना सारा सामान खरीद लिया यार, पैसे जेब में देखा नहीं है, बट देखते हैं। हमारा बिल 10,800 का बना। यार मेरी लास्ट नाइट की पार्टी है छोटी सी, और थोड़ा सा ये लेके आए थे खाने पीने के लिए, ये सब हमारे पार्ट के नए नए फ्रेंड बने मेरे, थोड़ा सा जाने में दुख भी होता है, बट क्या करें, जापान में आए जॉब के लिए है, तो करना भी पड़ेगा। वो एक ये हमने लड़की मंगाई है, पैक बना के देती है हमको स्पेशल, बाहर में काम करती है, नेपाल काठमांडू में, इसका बार खुद का था, बट यहाँ पे बार खोलना चाहती है, इसके हेल्प करेंगे हम। ये लो भाई, खंपाई खंपाई खंपाई, कितने नहीं हुआ भाई, मेरा नहीं हुआ खंपाई खंपाई, तो यार कल की रात की पार्टी हो गई थोड़ी ज़्यादा, चोट वोट भी लग गई है, और हैंड भी पता नहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, मुझे समझ में आ रहा है वो हो रहा है, तो पार्टी हो गई ख़त्म, थोड़ी सी पैकिंग कर रहा हूँ, और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है यहाँ पे ऊपर रहती है, ये मेरी हेल्प कर रही है पैकिंग में, क्योंकि आपको पता ही यार कि लड़कों का पैकिंग और लड़कियों की पैकिंग का कुछ अलग ही सीन होता है। तो अभी पैकिंग वैकिंग थोड़ा सा कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ यहाँ पे यार, पता नहीं दिल में एक ऐसी होती ना बेचैनी सी, कि जब कहीं पे ज़्यादा टाइम तक रुक जाओ, फिर किसी को जब छोड़ते हैं, या चाहे अपने बिल्डिंग हो अपार्टमेंट हो या कोई बंदा समझ लो, तो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, तो मतलब कि बैड फील वैसे ही फील हो रहा है, पर जाना तो पड़ेगा यार, क्योंकि जापान में आए ही जॉब करनी है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा, तो आगे बात करते हैं ठीक है, पहले पैकिंग करते हैं फटाफट। तो ये पैकिंग बची हुई है यार कुछ करने के लिए, ये भी बैग वैग है, तो करते हैं धीरे धीरे पैकिंग वैकिंग करने। यार बड़ा मतलब कि ना जब शिफ्ट करो तो बड़ी प्रॉब्लम आती है यार, सारा सामान पैक करो ये करो, एक बार जहाँ पे रख दिया तो सही रहता है, पर अभी कुछ सामान पड़ा हुआ है उसको अभी पैक करना है, वो कल एक दोस्त आई थी तो उसने दोस्त ने थोड़ा हेल्प कर दिया, तो पैक कपड़े वपड़े तो पैक हो गए, बाकी भी बहुत सारा सामान पैक करने को बचता है, पता नहीं चल रहा है कहाँ पे कैसे करूँ। और सोचा था यार ये बेड वगैरह है मेरा, बेड है और ये सोफ़ा वगैरह लगा हुआ, तो सोचा था लेके नहीं जाऊँगा, पर अब सोच रहा हूँ कि लेके जाऊँ यार, क्योंकि वहाँ पे भी ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली गाड़ी आ रही है, तो जिसको मैंने शिफ्टिंग के लिए बोला है तो गाड़ी आएगी, तो फिर तो यार जब गाड़ी आ रही तो सारा सामान ले ही जाओ, सोचा था मैंने कि बैग वगैरह ही, बैग में जितना सामान आएगा उतना भर के लेके चला जाऊंगा, जो इम्पोर्टेड सामान है, तो ट्रेन वगैरह से सोचा था चला जाऊंगा, पर अब जब गाड़ी आ रही तो सब ले ही जाओ तो ज़्यादा ठीक है यार, है ना, क्योंकि वहाँ पर भी ख़रीदना ही पड़ेगा, इसलिए फिर ले ही लेते हैं। अरे यार सामान ही बहुत ज़्यादा हो गया यार, ये इतना सारा इधर सामान पड़ा, ये सारा ये सब पैक करना है, ये बैग तो पैक हो गया है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा यार कि कैसे पैक किया जाए, बाकी देखते हैं जुगाड़ उगाड़ कुछ लगाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह यार अभी इंडिया गया था ना लेके आया था, तो खाए नहीं होते, टाइम ही नहीं मिलता यार यहाँ पे कोई ये सब खाने पीने के लिए, तो अभी तक रखे हुए हैं 5 महीने 6 महीने हो गए यहाँ पे। अरे मेरे पिछले जब आया था ना इंडिया से, मतलब स्टार्टिंग में, तब के 3 साल के अभी तक मेरे पास जो बादाम वगैरह पड़े हुए हैं वो तो एक्सपायर भी हो गए मतलब, और वही नहीं खाया गया, और इसको भी लेके आ गया, पर अब वहाँ पे जाऊँगा यार, तो जॉब जॉब पे जाएंगे तो खाया करेंगे सुबह सुबह से, और भारी हो जाएगा बैग ये तगड़ा। एक्चुअली ना जब यहाँ पे आप शिफ्ट वगैरह करते हैं, यहाँ तो बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो शिफ्टिंग वाली होती है, वो आप ऐसे सामान निकाल के दे दो उनको, अपने आप खुद पैक करके और लेके चले जाते हैं, बट उसका यार पैसे लगते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं,
मैंने तो ऐसे किया नहीं, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक और तरीके होते हैं शिफ्टिंग करने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे ना रिसाइकल शॉप होती है, जो रिसाइकल मतलब कि जो सामान सामान बेचते हैं, तो आप उनसे बोल के अगर आप कुछ सामान लेते हैं, थोड़ा बहुत सामान ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेना तब भी हो जाता है, बट अगर आप थोड़ा बहुत सामान लेते हैं उनसे, जैसे कोई भी अगर फ्रिज फ्रिज वगैरह लेना, बेड सेट वगैरह, तो उस तरह रिसाइकल शॉप से ले लें, और आपको जहाँ पे भी जाना है ना शिफ्ट के लिए, वो आपको भेज देते हैं, तो उसका वो पैसा ज़्यादा नहीं चार्ज करते, वो सिर्फ घंटे के हिसाब से चार्ज करेंगे, जितना भी होगा एक घंटे के हिसाब से 1000 जो भी लेंगे तो वो उतना चार्ज करेंगे, और तेल का जो होगा अपना वो कर देंगे बस। तो ज़्यादा नहीं होगा खर्चा आपका, अगर अगर 50-60-70 किलोमीटर की रेंज में करते हैं तो 5-6 हज़ार से ज़्यादा मतलब कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, 1 घंटा वहाँ पर लग गया, 2-2.5 हज़ार का डीजल लग जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो मैंने भी ऐसे किया है, मैंने एक वियतनामी है उससे थोड़ा सामान सामान खरीदा, बेड वगैरह, तो बेड वगैरह खरीद के तो उससे बोला यार शिफ्टिंग भी करवा दे, तो उसने बोला हाँ करवा दूंगा, तो उसने भी मुझे सेम यही बताया कि ऐसे मतलब कर लेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकता है अगर किसी को करना, तो नहीं तो वो कंपनी तो बहुत होती है पर उनका पैसे लगते हैं और चार्ज होते हैं, बट हाँ ये है कि वो अच्छे से पैक वुक करके खुद ही लेके जाएंगे, खुद सब कुछ करेंगे, आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सामान निकाल के देना है। शिफ्टिंग हो रही है भाई, वो गाड़ी सामने खड़ी है, वो गाड़ी नीचे तक आई नहीं, हाथों से मेहनत करके ऊपर तक लेके जाना पड़ रहा है। बड़ी बेचैनी घबराहट से भी हो रही है यार। मैंने गोमी से उठाया था फ्रिज वगैरह, उठा सकते कोई, ये अपने भाई लोग हैं हेल्प कर रहे हैं यार, अकेले बस की तो बात है नहीं थी भाई। ख़त्म हो गया यार, यहाँ से सारा सामान सामान सब निकाल लिया, ये मेरा रूम है था अभी तक, और अभी यहाँ पे यार 1.5-2 साल रहा, छोड़ने का मन तो नहीं करता पर क्या करें, सर ऐसे दिन में जलन सी हो रही है ना ये सब कुछ छोड़ने पे, तो क्या करें, देख लो ये लास्ट है, तो थैंक यू इतना टाइम यहाँ पे रहा मैं। हो गया भाई रेडी सारा अपना सामान, जा रहा हूँ यार लास्ट डे। सायोनारा मीना गंबत्ते ने, बाय 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 बाय, जरूर सैटरडे संडे या संडे। पहुंच गया भाई अपने रूम पे, बड़ी मुश्किल से सामान ये आया यार। एक्चुअली मैंने एक टेबल खरीदी थी तो उसको मैंने वापस कर दिया, यहाँ से जो ये रास्ता है ना, तो ये नीचे देखो कितना छोटा है, पर रूम बड़ा सही है, कुछ दीवार वगैरह भी डैमेज हो गए बट इंश्योरेंस है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर देख लो अभी ऐसे सामान वगैरह मैंने रखा हुआ है, सुबह देखेंगे कैसे क्या करते हैं। और देखो यहाँ पे ना नया रूम वगैरह जब मिलता है तो ये ऊपर वाली जो लाइट है ना, ऊपर वाली लाइट नहीं है यार, और ये बड़ा मेन रखो सही वाला काम है, मतलब कि प्रॉब्लम वाला है। ये किचन पे एक लगी है, एक वहाँ पे मेन डोर के पास में लगी है, और बस हो गया। अभी ऐसे ही सामान पड़ा है, इसको अब अभी बज रहे हैं 9:30, सुबह 3 बजे वहाँ से रूम से चला था, यहाँ पर पूरा सामान रखते रखते 9 बज गए, तो अभी एक सामान रखूँगा सेट करके फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, और पूरा रूम का टूर अलग से कराऊंगा आपको। अच्छा रूम है, बढ़िया रूम है, कंपनी के मेरे पास है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अब अकेला फील कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि यहाँ पे भी कोई ना फ्रेंड है ना कोई कोई है, बट हाँ इस अपार्टमेंट में क्या है सारे जैपनीज रहते हैं, तो इस बात का कुछ बेनिफिट हो सकता है, देखते हैं क्या बेनिफिट होगा आगे फ्यूचर में। और एक बात बता देता हूँ कि अगर जो बंदे ने मुझे यहाँ पे मतलब कि छोड़ के गया है ना, तो उसने ज़्यादा मेरे से पैसे नहीं लिए यार, मतलब कि 10,000 लिया है यहाँ तक का छोड़ने का, क्योंकि मैं बता दूँ मैंने जब पहले एक बार भी इको से किया था मतलब मूव किया था, तो मेरे पास कोई सामान भी नहीं था,
और ज़्यादा दूर भी नहीं थे, ज़्यादा ज़्यादा 4 साढ़े 4 किलोमीटर वहाँ से रहा होगा, या मैक्सिमम 5 to 6, 6 किलोमीटर। मुझे 6,000 लग गया था, एक बंदे जैपनीज ने किया था, 6,000 रुपये ले लिया था उसने। और ये है वहाँ से मेरे रूम से 70 किलोमीटर, इसके सिर्फ मैंने दिए 10,000 और कुछ नहीं। और एक्चुअली इसका एक बेनिफिट इसलिए है कि मैंने सामान वगैरह लिया था कुछ, तो इसलिए उसने बोल दिया था कि सामान अगर लोगे तो ज़्यादा पैसे मत देना। 1 घंटे का 1,000 उसने जोड़ के, उसी का पेट्रोल वगैरह गाड़ी का, तो 1 घंटे का 1,000 जोड़ के उसने लिया है। अगर कोई फुकुओका में है, अगर कोई कहीं पे शिफ्ट करना चाहता है, मूव करना चाहता है, तो मैं उस भाई के वियतनामी जो है उसका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा वीडियो के कमेंट में, तो वहाँ से ले लेना। और कसम से यार वो बंदा बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं जब वहाँ से आ रहा था ना, तो इतने टाइम से रह रहा था तो यार दोस्त बन गए थे, कुछ खास लोग भी हो गए थे, तो थोड़ा सा रोना वोना आ गया था, मुझे रो ही दिया था यार, आ के आ गया था। तो वहाँ से रास्ते में आते आते इसने, भाई ने मुझे बहुत समझाया, मेरे हमेशा पेट में सहलाता आया कि कोई दिक्कत नहीं है, सब सी तो हो जाता बंदा, लेकिन ये जापान है, ये अपना घर नहीं है, तो कहीं भी कभी भी कहीं भी जाया जा सकता है, तो इसलिए टेंशन मत लो। और दोस्त, नए दोस्त बन जाएंगे, जैपनीज बनेंगे, सब कुछ बन जाएगा, तो इसलिए बढ़िया बंदा है। तो जैसे भी करना है, मैं उसका नंबर डिटेल में डाल दूँ, वीडियो का या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ले लेना वहाँ से, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।